इस वीडियो में हम एयरटेल ब्रॉडबैंड का अपना रिचार्ज करने वाले थे। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एयरटेल इंटरनेट का रिचार्ज किया जाता है, तो आपके पास में एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर के एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो भी परमिशन वगैरह मांगेगा सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। पहली बार यूज कीजिएगा तो इसमें आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें आपके जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो आपका जुड़ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में जो एक्टिव प्लान है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 Mbps का हमारे पास में प्लान है अनलिमिटेड डेटा का, तो इसके ऊपर में हम क्लिक करते हैं और देख रहे हैं कि पूरे प्लान का डिटेल्स आ चुका है। स्पीड जो है 10 Mbps का है, अनलिमिटेड डेटा है, कॉल भी अनलिमिटेड है, लेकिन करने का कोई भी साधन ही नहीं। यहाँ पे जो वैलिडिटी प्लान जो है ये 5 महीने का है, इसका जो चार्ज है 1175 रुपये है। उसके बाद ये जो वैलिड डेट था इसका 5 जुलाई 2024 जो कि लास्ट हो चुका है। तो हम इसी प्लान को रेनुअल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रेनुअल प्लान के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आप और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं व्यू डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपको पे ऑन गूगल पे, यहाँ पे अगर आप UPI के थ्रू से पे करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो व्यू ऑल पेमेंट ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिए देख पा रहे कि इतने सारा ऑप्शन दिया हो, जिसमें कि अगर आप चाहें तो गूगल पे से कर सकते हैं, एयरटेल UPI से कर सकते हैं, उसके बाद फिर फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम UPI है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा और भी यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर में क्लिक करना है, यहाँ पर कार्ड नंबर, उसके बाद फिर मंथ और ईयर देना है, CVV नंबर देना है, पे के ऊपर में क्लिक करके आपको पे कर लेना है। सबसे आसान तरीका यदि आप गूगल पे से करना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और उतना का पेमेंट आपको कर देना। हमारे पास में SBM क्रेडिट कार्ड है, उसी के थ्रू से हम यहाँ पे रिचार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये रिचार्ज सक्सेसफुली होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पे हम अपना कार्ड का नंबर एंटर करते हैं, डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP के ऊपर में क्लिक करना होगा। अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा जिसमें कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। इसमें आपको अपना OTP टाइप करके यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनली सक्सेसफुली रिचार्ज हो चुका है। यहाँ पे व्यू मोड के ऊपर में क्लिक करते हैं, इस तरीके से इसका पूरा डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चाहे तो गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे को ओपन करना है, नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जिस भी कंपनी का आप कनेक्शन लगाए हुए उस कंपनी का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है, जिस कंपनी का आप नेट लगाए हुए उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जैसे एयरटेल का लगाए हुए या फिर जियो का लगाए हुए, तो आपको गूगल क्रोम में जियो लिख करके सर्च करना है।